11 मई 2024 को एक चुनावी सभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर ये यानी कि बीजेपी चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने आज से 2 महीने पहले कही थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर फूट पड़ी हुई है, आपस में ही लड़ाई चल रही है, अखिलेश यादव अलग मजे ले रहे हैं। 18 जुलाई की सुबह अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट किया कि मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब सवाल ये उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं या फिर चुनौती दे पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या फिर योगी आदित्यनाथ? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है? बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अहम क्यों है? बीजेपी मौर्य और योगी पर क्या सोच रही है? और सबसे अहम, यूपी में होने वाले उपचुनाव पर इसका क्या होगा असर? चलिए शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं समझते हैं। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े नेता किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के 2 बड़े नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की अलग अलग वजहें गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवर कॉन्फिडेंस को यूपी में खराब प्रदर्शन का वजह बताया। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कह दी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बता दिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। बस राजनीतिक गलियारे में बहसबाजी शुरू हो गई और बहुत सारे सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना ये चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के केंद्र में है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों, योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, केशव मौर्य सिर्फ एक एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत सके हैं। केशव वीएचपी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं योगी की पहचान आरएसएस के साये से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की रही है। योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे तो उनकी उम्र महज 26 साल की थी। अब सवाल वही है, क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या फिर योगी आदित्यनाथ? अब एक नजर यूपी और बीजेपी पर डालते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसे समझने के लिए कुछ तारीखों पर गौर करना जरूरी है दोस्तों। 4 जून 2024 लोकसभा चुनावी नतीजे में यूपी में बीजेपी के हिस्से आई 33 सीटें, यानी 2019 की तुलना में 29 कम। उसके बाद जून से जुलाई यूपी में कई जगहों पर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और बहस होने की खबरें आईं। फिर आया 14 जुलाई 2024, लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। 16 जुलाई 2024 उसके बाद आया, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। उसके बाद 17 जुलाई 2024 केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहते हैं, संगठन सरकार से बड़ा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। उसके बाद 17 जुलाई 2024 यूपी सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के दफ्तर की ओर की तस्वीरें साझा करते हुए ये कहा गया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। अब दोस्तों सबसे अहम पॉइंट ये है, यूपी, योगी और अटकलें, क्या है ये पूरा?
दरअसल बीते डेढ़ महीने में अलग अलग तारीखों पर हुई इन मुलाकातों और बयानबाजी से अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है या फिर वो सीएम पद छोड़ने वाले हैं। बीजेपी आलाकमान यूपी में पार्टी की बड़ी जीत न होने से नाराज है। कुछ लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हैं और कुछ शीर्ष नेतृत्व की तरफ इशारा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ताज़ा बयान और एक्टिवनेस को विपक्षी नेता इसी कड़ी से जोड़कर देखते हैं। इस पूरे मामले पर सबसे अहम हो जाता है अखिलेश यादव का बयान, जो अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया, यानी कि 17 जुलाई को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश ने यह भी लिखा कि तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। अखिलेश के इस ट्वीट पर बवाल मच गया। उसके बाद अखिलेश के इस ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी का देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। इसके बाद 17 जुलाई की देर रात अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए कहा कि लौट कर बुद्धू घर को आए। 18 जुलाई की सुबह अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट किया कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब समझना ये जरूरी है दोस्तों कि योगी पर कौन हमलावर है। योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल हैं, जो एनडीए के घटक ही दल हैं, मतलब इनके अपने ही हैं। 16 जुलाई को संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। ये बयान अपने आप में बड़ा है। बीजेपी का ही बयान बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा माना जा रहा है। एक बात और है, योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए हैं। योगी सरकार के दौरान कई जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और लोगों के घर भी गिराए गए हैं। इससे पहले बीजेपी की ही सहयोगी अपना दल एस की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने योगी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। अनुप्रिया की इस चिट्ठी के बाद कुछ जानकारों ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है, मतलब योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने की तैयारी की जा रही है। अब एक चीज गौर कीजिए, अनुप्रिया, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य तीनों ओबीसी नेता हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिन पर अगड़ी माने जाने वाली जातियों के नेता के तौर पर देखा जाता है। अब ये देखना जरूरी है दोस्तों कि योगी बनाओ केशव प्रसाद मौर्य। सवाल यह है कि कुछ जानकार योगी बनाओ केशव की जो सियासी लड़ाई देख रहे हैं वो आंकड़ों और अतीत में कैसी रही है। इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति को समझना अहम रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जा रहा है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य का जहां असर माना जाता है वो सीट बीजेपी गवाई है, यानी कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी के चेहरे के तौर पर पेश करती रही है। मगर इन चुनावों में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी। बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है ये भी समझिए। यूपी और बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत को
इन कुछ सालों की क्रोनोलॉजी से समझा जा सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए थे। इस चुनावी हार के बाद माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की सरकार में जगह नहीं मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। जबकि योगी को अमित शाह के विरोधी के रूप में पेश किया जाता रहता है कि अमित शाह का और योगी का उतना नहीं बनता, ऐसा माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर सिर्फ साल 2012 में वो विधायकी का चुनाव जीत पाए थे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और 3 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत सकी थी। फूलपुर सीट पर बीजेपी की ये जीत इतनी अहम रही कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर हुआ 2017 का विधानसभा चुनाव और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य तब सीएम पद की रेस में थे, मगर कमान योगी आदित्यनाथ को मिल गई। योगी सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, मगर 2022 में केशव से ये मंत्रालय छिन गया। दोनों नेताओं के बीच मतभेद की एक वजह इसे भी बताई जाती है। अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और वीएचपी से जुड़े रहे। वो आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और जो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। बीजेपी पीएम मोदी की तरह ही केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को प्रमुखता से इनके बताती है। केशव प्रसाद मौर्य गौरक्षा अभियान में भी काफी एक्टिव रहे हैं और वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे का मकसद गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक, कोयरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 8.5% हैं। अब अहम बात ये हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी आखिर मौर्य और योगी पर क्या सोच रही है। नड्डा, भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य की ताजा मुलाकात को लेकर अब आगे क्या होगा। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं की बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि यूपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके की आलोचना की है। इसमें योगी के विधायकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की तुलना में अफसरों पर ज्यादा निर्भर रहने की बात भी कही गई है। सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि पार्टी नेतृत्व में इन नेताओं की बात सुनी और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तरफ ध्यान दिलाया। ये चुनाव अगस्त में होने हैं और तब तक किसी बदलाव की उम्मीद कम ही है। योगी आदित्यनाथ के अति आत्मविश्वास वाली बात के मद्देनजर इन चुनाव में योगी को खुली छूट दी जा सकती है, ताकि ये देखा जा सके कि वो क्या कर सकते हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन 10 में से 9 सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव में लड़ने और जीतने के बाद खाली हुई है। एक सीट सीसा मऊ से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को एक क्रिमिनल केस में दोषी करार दिए जाने के बाद खाली हुई है। इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, मगर सपा और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे। इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 में सपा को 2022 में जीत मिली थी। एक सीट तब सपा के गठबंधन में रहे राष्ट्रीय लोक दल ने जीती थी। अब ये दल बीजेपी के साथ हैं। 3 सीट बीजेपी और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वो हैं फूलपुर, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीमा मऊ, खैर, कुंदरकी और फिर इन सभी सीटों पर होने हैं। लेकिन सवाल दोस्तों एक और है, जो आप पिछला उपचुनाव देखेंगे 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उन 13 सीटों में से 11 सीटों पर
इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, लगभग 10 सीटों पर हुई थी और महज 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। तो ऐसे में ये चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है और आने वाले वक्त में जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो या फिर झारखंड हो, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है और बीजेपी का यहाँ 3 राज्यों में बिखराव देखने को मिल रहा है। वहीं अगले साल भी 2 अहम राज्य में चुनाव होने हैं, वो राज्यों में हैं दिल्ली और फिर बिहार। तो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा आधान हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।